So hello everyone, welcome once again in this GATE 2020 Chemical Engineering Paper Solution Series. So basically इस lesson में हम discuss करने वाले aptitude की question. So as usual आपका aptitude जो था GATE 2020 में वो था total 15 marks का. लेकिन यहाँ पर इस बार हमने देखा कि out of 15 marks, 7 marks का हमें यहाँ पर मिला English aptitude रहा और जो remaining 8 marks था वो था हमारा mathematics का जो aptitude है ना. तो इस बार मतलब आप बोल सकते हो कि इंग्लिश का जो वेटेज था वो ज्यादा था. जनरली 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा जाता था, लेकिन इस बार 7 मार्क्स के इंग्लिश के क्वेश्चन थे. ओके, सो हम देखते हैं यहां पर सॉल्यूशन. फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है. यहां पर हमें पूछा गया था डिफरेंस, पूछा गया था सम ऑफ फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर माइनस द फर्स्ट n ऑड नंबर्स. मतलब इनका डिफरेंस, फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर का जो सम होगा उसका डिफरेंस फर्स्ट n ऑड नंबर्स के साथ में उसका जो सम होगा. तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. देखिए गाइस, यहां पर मैंने डायरेक्टली लिख लिया बिकॉज़ मुझे पता है फर्स्ट जो 2n नेचुरल नंबर है उनका सम होता है 2n into 2n plus 1 upon 2 एंड जो फर्स्ट n ऑड नंबर होता है उनका सम होता है n square. तो यहां पर मैंने जस्ट इसको सबट्रैक्ट कर दिया और यहां से मुझे सॉल्यूशन मिल गया इस क्वेश्चन का, आंसर n square plus 2. अब हम इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं. देखिए 2n नेचुरल नंबर का जो सम होगा तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 1 2 3 4 till 2n. ओके, सो इसका सम हम कैसे लिखेंगे, Sn equal to n upon 2 into 2d plus n minus 1 into d. ये हो गया, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया. इसमें देखिए हम इसमें अब पुट करेंगे हम यहां पर ये जो d नहीं लिखना चाहिए मेरे को, ये 2a होगा है ना. ओके, फॉर्मूला हो गया हमारा Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. तो a यहां पर फर्स्ट टर्म है तो इसके लिए फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा यहां पर, फर्स्ट 2n जो नेचुरल नंबर है एंड जो nth टर्म है वो हो जाएगी 2n. तो यहां पर मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया, n हो गया 2n, देन a हो गया यहां पर 1, सो 2 into 1 plus 2n, अगेन n जो है वो हो गया यहां पर 2n इस क्वेश्चन के लिए, इस फर्स्ट पार्ट के लिए 2n minus 1 into d. अब डिफरेंस आप देख सकते हो यहां पर plus 1 हो रहा है, नेचुरल नंबर मतलब डिफरेंस जो रहेगा 2 minus 1 या 3 minus 2 1 आपको मिलेगा. तो डिफरेंस यहां पर 1 हो गया, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन यहां पर इस टर्म को सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाता है जो सम यहां पर n into 2n plus 1, मतलब इसको अगर हम n से मल्टीप्लाई करें तो यहां पर हो जाएगा ये 2n square plus n. सो फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर का सम हमें मिल गया 2n square plus n. नाउ अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट ऑड नंबर्स का सम. सो फर्स्ट ऑड नंबर यहां पर हो गए 1 3 देन 5 देन 7 टिल n. तो यहां पर हम सम लिखेंगे तो a यहां पर हो गया 1 एंड n की अगर मैं बात करूं तो 2 होगा, 3 minus 1 2 आ रहा है, 5 minus 3 2 आ रहा है, 7 minus 5 2 आ रहा है और जो nth टर्म है वो हो गई n. सो देखिए a की जगह मैंने पुट कर दिया 1, n की जगह पुट कर दिया सेम n एंड d के प्लेस में पुट कर दिया हमने 2. सो ये n है डिफरेंस. ओके, सो यहां पर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहां से मिलता है n स्क्वायर. सो इसका डिफरेंस 2n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर, तो यहां से हमें मिल जाएगा n स्क्वायर प्लस n. सो करेक्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है n स्क्वायर प्लस n. ओके, तो ये हो गया एप्टीट्यूड का क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2. यहां पर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये इंग्लिश का क्वेश्चन था. हमें देखिए गिवन था कवर के लिए अपोजिट वर्ड हो गया n कवर. नाउ एसोसिएट के लिए अपोजिट जो वर्ड होगा वो हमें कैलकुलेट करना था, मतलब कि चूज करना था. ऑप्शंस हमें गिवन थे इस क्वेश्चन में, लाइक ऑप्शन ऐसे गिवन थे हमें a b c d. पहला हो गया एसोसिएट के लिए अनएसोसिएट. ओके, देन गिवन था डिसएसोसिएट. ओके, देन गिवन था मिसएसोसिएट. तो इस तरीके से हमें ऑप्शंस गिवन थे इस क्वेश्चन में. तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए एसोसिएट के लिए जो हम अपोजिट वर्ड यूज करते हैं वो होता है डिसएसोसिएट. तो डिसएसोसिएट यहां पर अनएसोसिएट अगर आपने लगाया तो आपका आंसर इनकरेक्ट होगा. करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए डिसएसोसिएट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 था, अगेन इंग्लिश का एक क्वेश्चन था जिसमें फिल इन द ब्लैंक है ना, दो यहां पर ऑप्शन जो फिल इन द ब्लैंक थे उनके लिए करेक्ट वर्ड चूज करना था. ये क्वेश्चन था मैरी कॉम पर. मैरी कॉम के लिए एक स्टेटमेंट था कि मैरी कॉम को मतलब कि पद्मश्री अवार्ड मिला है ना, और वो कहां पर मिला है, दिल्ली में मिला है. तो उसके लिए जो करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा 2 and 8. ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 2 and 8. ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इन सीटिंग अरेंजमेंट. और सो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था पी क्यू आर एस टी यू
यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ आपको कितने ऑप्शंस गिवन थे, बिकॉज यहाँ पर गिवन था कुछ एस एंड डब्ल्यू अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, देन उनके अलावा यहाँ पर सेटिंग टोटल जो मेंबर थे मतलब वो 8 मेंबर थे, ओके पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू, सो ये टोटल 8 मेंबर है जहाँ पर हमें तीन कंडीशंस गिवन थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन कंडीशन गिवन थी, उनके अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना था यहाँ पर कि कौन कहाँ पर करेक्ट उसका पोजीशन रहेगा, उसके बाद में हमें चूज करना था ऑप्शन। तो जो ऑप्शन ए था पी इज नॉट अपोजिट टू आर, पी इज नॉट अपोजिट टू आर, ये ऑप्शन ऑलवेज करेक्ट होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम रिक्वायर्ड कंडीशन में अगर उनको फुलफिल करें तो ये वाला कंडीशन कभी भी फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया पी इज नॉट अपोजिट टू आर, अदरवाइज ये क्वेश्चन जब हमें एक्चुअल पूरा क्वेश्चन मिलेगा तीनों कंडीशन तो हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये नॉर्मल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था। नाउ अगेन जो क्वेश्चन नंबर 5 है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ये अगेन इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। इसमें देखिए गिवन था इसमें डिस्पाइट हैविंग बेड परफॉर्मेंस द चांसेस ऑफ केएल राहुल टू गेट सेलेक्टेड आर। तो अगेन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक था, इसमें हमें चूज करना था, ऑप्शन गिवन था हमें स्लिम ऑब्वियस अनसर्टेन ब्राइट। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर है वो है ब्राइट, बिकॉज स्टेटमेंट आपका स्टार्ट हुआ डेस्पाइट से, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ब्राइट। सो केएल राहुल के ब्राइट चांसेस है यहाँ पर सिलेक्शन के लिए, ओके आप देख सकते हो क्वेश्चन लास्ट इंग्लिश का जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो मेरी कॉम पर बेस्ड है स्पोर्ट्स प्लेयर। नाउ अगेन क्वेश्चन जो पूछा गया इंग्लिश पर वो केएल राहुल पर बेस्ड, अगेन स्पोर्ट प्लेयर पर, मतलब आई थिंक जिस टीचर ने आईआईटी दिल्ली का जो भी प्रोफेसर जिस प्रोफ ने ये पेपर सेट किया एप्टीट्यूड का वो बोल सकते हो कि आप एक स्पोर्ट्स लवर रहा होगा, उसने काफी क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड रखे हैं। तो इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको एक पैराग्राफ गिवन था है ना, 3 to 4 लाइन उसमें गिवन थी, खरीफ एंड रबी जो क्रॉप है उन पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, इंडियन गवर्नमेंट मतलब जो डिपार्टमेंट होता है इसके लिए स्पेसिफाइड, तो वहां पर ये था कि अगर खरीफ की जो फसल्स है, ठीक है, विंटर और समर में जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप होती है उसको हम बोलते हैं खरीफ एंड रबी, है ना, तो यहाँ पर गिवन था कि एक टाइम पर एक एक्चुअली में जो क्रॉप होनी थी मतलब एस्टिमेटेड है ना वो मतलब उतना नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट यहाँ पर होप करती है कि नेक्स्ट ईयर, वो एक स्टेटमेंट देती है कि जो यहाँ पर लॉस जो हुआ है वो फुलफिल हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम जो सेकंड जो यहाँ पर क्रॉप रहेगी उसकी जो हमें इनकम होगी उससे मतलब कि फुलफिल हो जाएगी, रिक्वायरमेंट आप बोल सकते हो कि इतना होना चाहिए था लेकिन इतना नहीं हुआ ना, तो उस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन था वहाँ पर यह था कि गवर्नमेंट अश्योर है, गवर्नमेंट मतलब कंफर्म बोल रही है, तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर गवर्नमेंट जस्ट होप कर रही है कि अभी का जो लॉस हुआ है वो नेक्स्ट जो यहाँ पर क्रॉप रहने वाली है उससे उसका लॉस है वो फुलफिल हो जाएगा, इसलिए मतलब कि गवर्नमेंट जिस ऑप्शन में आपका होप था गवर्नमेंट होप कर रही है, अगेन ये कंप्लीट स्टेटमेंट था एक, तो वो वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इजी क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था एप्टीट्यूड पे, यहाँ पर पूछा गया था आपको डिस्टेंस ट्रेवल, यहाँ पर देखिए एक पी पॉइंट है दिल्ली में, एक क्यू पॉइंट है आगरा में, सो इनका जो टोटल डिस्टेंस है वो गिवन है हमें 233 किलोमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है, और क्वेश्चन में कुछ और कंडीशन हमें गिवन है कि पी जो है उसका स्पीड, यहाँ पर देखिए पी है यहाँ पर क्यू है, इसका स्पीड क्यू से 10 किलोमीटर मोर है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्पीड ऑफ पी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ क्यू प्लस 10 किलोमीटर पर ओवर। नाउ जब पी स्टार्ट कर रहा है अपना ट्रेवलिंग उसके एग्जैक्टली 1 आवर बाद में क्यू अपना ट्रेवलिंग स्टार्ट करता है, तो मैं है ना, देन उसके बाद में एक कंडीशन और गिवन है कि एक पॉइंट आएगा जब क्यू अपना ट्रेवलिंग स्टार्ट करता है, देन उसके 75 मिनट बाद में एक पॉइंट आता है जहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है, एक जिस पॉइंट पे ये क्रॉस करते हैं तब तक क्यू 75 मिनट ट्रेवलिंग कर चुका होता है। नाउ तो अगर मैं बात करूं पी के लिए तो उसका टोटल ट्रेवलिंग टाइम अभी तक कितना हो जाएगा, 1 आवर प्लस 75 मिनट जहां पर ये लोग क्रॉसिंग कर रहे हैं, मतलब कि उसको 1 आवर 75 मिनट हो गया, आपका 60 मिनट होती है 1 आवर में, तो 2.25 आवर, मतलब कि जो पी जो दिल्ली से यहाँ पर ट्रेवलिंग करना स्टार्ट कर रहा है उसको 2 आवर एंड 25 मिनट आप बोल सकते हो, या 2.25 आवर आप बोल सकते हो ना, मिनट आप बोलोगे तो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा है ना, सो यहाँ पर अगर मिनट आप बोलोगे तो 2 आवर देन आपका 15 मिनट होगा है ना। नाउ इसको इतना टाइम लग रहा है, नाउ अगर मैं क्यू की बात करूँ तो इसको 75 मिनट लग रही है, 75 मिनट का मीनिंग यहाँ पर हो गया 1.25 आवर। तो अभी देखिए मेरे को ये चीज़ पता है कि पी को कितना टाइम लग रहा है, क्यू को कितना टाइम लग रहा है यहाँ पर एग्जैक्टली जब ये लोग क्रॉस करेंगे एक दूसरे को।
नाउ मैंने क्या किया, इस डिस्टेंस को x कंसिडर कर लिया, इस डिस्टेंस को y कंसिडर कर लिया, जितना q ट्रेवल करेगा यहां पर क्रॉस करने के पॉइंट पे, और जितना p ट्रेवल करेगा उसको मैंने x कंसिडर कर लिया। नाउ यहां से मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं कि टोटल डिस्टेंस x प्लस y इक्वल टू 233 होने वाला है, ये एक इक्वेशन मुझे मिल गई यहां से। नाउ अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे कर लेंगे, कैसे सोल्व करने वाले हैं। सिंपल सा इक्वेशन है, हमें पता है कि स्पीड जो है, स्पीड हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है पी ने वो मुझे पता है, और उसके लिए टाइम मुझे पता है, तो मैं उसकी स्पीड लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं क्यू के लिए मैं स्पीड लिख सकता हूँ, मुझे डिस्टेंस और टाइम पता है ना। तो देखिए डिस्टेंस मतलब एक्स और वाई की टर्म में पता है, बाकी हम इन दोनों इक्वेशन, यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी उसके बाद में इक्वेशन वन का यूज करके हम एग्जैक्टली वो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ मैंने यहाँ पर पी के लिए लिख रहा हूँ फोर पी, सो पी के लिए हम लिखेंगे जो वेलोसिटी है, देखिए मैंने स्पीड क्यू के लिए कंसिडर किया वी, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पी के लिए 10 प्लस रहेगा क्यू के स्पीड से, सो यहाँ पर मैंने वी प्लस 10 लिख दिया पी की स्पीड इक्वल टू ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक्स अपॉन टाइम 2.5 और नाउ फॉर अगर क्यू के लिए मैं लिखूं तो क्यू के लिए हो जाएगा वेलोसिटी स्पीड जो है वो वी हो गई इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस वो वाई ट्रेवल कर रहा है डिवाइड बाई 1.25 और नाउ अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, v के प्लेस में मैं पुट कर सकता हूं y अपॉन 1.25, इसको आप इक्वेशन 2 यहां पर लिख सकते हो, नाउ इसको इक्वेशन 3 लिख सकते हो। सो इक्वेशन 3 से v इक्वल टू y अपॉन 2.5 मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। नाउ ये मुझे एक इक्वेशन मिल गई जिसे मैं इक्वेशन 4 बोल रहा हूं। अब मुझे इक्वेशन मिल गई y अपॉन 1.25 प्लस 10 इक्वल टू x अपॉन 2.25, और मेरे पास ऑलरेडी इक्वेशन 1 है x प्लस y इक्वल टू 233, तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, एक्चुअली y कैलकुलेट करना है कि q को यहां पर कितना डिस्टेंस कवर करेगा जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस करने वाला है, तो मुझे y कैलकुलेट करना, तो मैं x को एलिमिनेट कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, जो इक्वेशन 1 मेरे पास है वहाँ से मैंने लिख लिया x इज इक्वल टू 233 माइनस वाई, सो यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ 233 माइनस वाई एट प्लेस ऑफ x। ओके, सो यहाँ पर जो इक्वेशन 4 था वहाँ उसमें मैंने लिख दिया x इक्वल टू 233 माइनस वाई, तो अभी एक इक्वेशन हमारे पास मिल गई है। इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, तो ऑन सॉल्विंग हमें यहां से y के लिए जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगा y इक्वल टू 75.178 किलोमीटर, तो अप्रोक्स अगर हम लिखें तो 75.2 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन गिवन थे ए बी सी डी, तो यहां पर जो बी ऑप्शन था वो था 72.5 किलोमीटर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके नाउ नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, यहाँ पर इजीली आप दो इक्वेशन लिख सकते हैं तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप इतना आप मतलब कि इतना नेसेसरी नहीं है कि आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से करो, लेकिन इस वे से करोगे तो आपको सबसे कम टाइम लगेगा लगने वाला इस क्वेश्चन में। अदरवाइज आप सिंपल मैथमेटिक फंडा अगर लगाओ कि इतना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ नेक्स्ट देखिए गाइज, ये था क्वेश्चन नंबर 8, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था एप्टीट्यूड से। तो इस क्वेश्चन को मैं अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा, बिकॉज देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, प्रॉफिट वर्सेस ईयर, मतलब यहां पर पी एंड क्यू दो इन्वेस्टर है, वो इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, पी एंड क्यू का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वर्सेस उनका जो ईयर है उसमें, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज उनका गिवन है हमें, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमें क्या करना है, पी बाई क्यू के लिए प्रॉफिट परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है, हमें गिवन है प्रॉफिट पर ईयर पी एंड क्यू के लिए। देखिए लाइक ये जो लाइन वाला जो कर्व है ये है P के लिए, एंड जो यहां पर फिलिंग ये जो ब्लैंक वाला है ये है Q के लिए। सो हम देख सकते हैं कि 2013 में P का जो प्रॉफिट था वो है 10, इसका कोई भी एक यूनिट होगा यहां पर, ओके, एंड Q के लिए 20। सिम देन 2014 में P के लिए यहां पर गिवन है 20, देन Q के लिए 30, देन 2015 में P के लिए 40 एंड Q के लिए 30, आप देख सकते हो यहां पर ये डॉट डॉट यहां पर आएगा, तो सिमिलरली यहां पर 2018 तक गिवन है। तो अब ये देखिए हम रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे P अपॉन Q का जो प्रॉफिट परसेंटेज है, ना कि प्रॉफिट परसेंटेज हमें यहां पर इनका रेशो कैलकुलेट करना है। तो गाइस देखिए, ये क्वेश्चन आपका एप्टीट्यूड से आया, लेकिन हम केमिकल इंजीनियर, हमें पता है प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, ना, सो प्लांट इको से हम बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमें पता है कि रेवेन्यू, हम किसी भी प्लांट का रेवेन्यू कैसे लिखते हैं, प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना प्रॉफिट हमें हो रहा है प्लस जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया वो हमारा रेवेन्यू होता है। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो रेवेन्यू में से अगर मैं इन्वेस्टमेंट सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे प्रॉफिट मिल जाता है।
तो गाइस देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने अज्यूम कर लिया, लेट्स अज्यूम द इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 100. इसको आप 100 लाख, 100 करोड़ कुछ भी बोल सकते हो, है ना। तो यहां पर मैंने कंसिडर कर लिया, अज्यूम कर लिया कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 है मेरा। पी के लिए भी 100 रहेगा, क्यू के लिए भी 100 रहेगा, वो सेम है। तो मैं यहां पर अगर प्रॉफिट लिखूं तो प्रॉफिट मेरा क्या होगा, रेवेन्यू माइनस इंटरेस्ट। और यहां पर प्रॉफिट परसेंट का जो मीनिंग हो गया वो हो गया प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट। मतलब कि एक्चुअली में हमें कैलकुलेट करना है रिटर्न, हमें जो रिटर्न मिल रहा है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू आपका हो जाएगा प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इन्वेस्टमेंट देखिए मैंने अज्यूम कर लिया 100 है, तो यहां पर चेंजेस क्या हो रहा है प्रॉफिट में। तो अगर मैं रेवेन्यू लिखूं, पी के लिए रेवेन्यू अगर लिखूं, तो ये देखिए 2013 में इन्वेस्टमेंट है यहां पर 100 प्लस पी के लिए 10, यहां पर प्रॉफिट है, तो 100 प्लस 10 हो गया। देन 2014 में पी के लिए मैं लिखूं तो 100 प्लस 20 हो जाएगा। देन सिमिलरली 15 में 100 प्लस 40, देन 16 में 100 प्लस 40, देन 17 में 100 प्लस 50, देन 18 में 100 प्लस 40, ये हो गया रेवेन्यू पी के लिए। नाउ सिमिलरली क्यू के लिए मैं लिख सकता हूं 100 इसका इन्वेस्टमेंट हो गया प्लस इसका प्रॉफिट। पी क्यू के लिए आप देख सकते हो कि 2013 में प्रॉफिट है 20, देन 14 में है 30, देन 15 में है 30, देन 16 में 50, 17 में 60, 18 में 60, और प्लस में जो रेवेन्यू हमने जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐड कर रखा है। नाउ ऐसा करने पे हमें न्यूमरेटर मिलेगा 800, डिनोमेटर मिलने वाला है 850। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 16/17। पी रेवेन्यू अपॉन क्यू रेवेन्यू इज इक्वल टू 16/17। ओके, यहाँ पर आपको प्रॉफिट का रेशियो डायरेक्टली, इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस गिवन थे कुछ इस तरीके से। एक ऑप्शन था 15/16/17, देन सेकेंड 15/17। ओके, इस तरीके से आपको ऑप्शंस गिवन थे, चार ऑप्शन, वहां पर हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। अगर इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली इस प्रॉफिट को एड करके लिखोगे न्यूमरेटर और डिनोमेटर में, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वन मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था 4x4 की एक मैट्रिक्स गिवन है। ओके, 4x4 की एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके लिए MIJ इक्वल टू -MJI होगा। मतलब ये कंडीशन जैसे ही गिवन है, मतलब मैंने यहां पर लिख दिया कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें पूछा गया था द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड टू डिफाइन द मैट्रिक्स इज, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड टू डिफाइन द मैट्रिक्स इज। तो हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए यहां पर जो डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो होंगे। ओके, ये जीरो होंगे, और यहां पर देखिए ये MIJ जो है वो माइनस ऑफ MIJ होगा, वो हमें देखना है। तो हमें एटलीस्ट 6 नंबर ऑफ यहां पर जो कंपोनेंट है वो पता होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसके लिए MIJ इक्वल टू -MJI होता है, उसके लिए हमें एटलीस्ट 6 कंपोनेंट चाहिए होते हैं। ये तो देखिए, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फुलफिल कर रहा है तो ये कंडीशन होने वाली है ना। तो एटलीस्ट हमारे पास 6 नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया 6। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं एप्टीट्यूड में डिस्कस कर चुका हूं, बिकॉज ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स में ना होके एप्टीट्यूड में पूछा गया था। ठीक है, तो एप्टीट्यूड में इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। तो ये टोटल 9 नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को आप बोल सकते हो कि थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इंग्लिश से आप बोल सकते हो इसको, या फिर आप इसको मतलब कि करंट अफेयर से भी आप बोल सकते हो इसको। आपकी जीके कैसी है, अगर आपकी जीके ठीक है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। देखिए ये क्वेश्चन था एप्टीट्यूड पर बेस्ड, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक आपको पैराग्राफ गिवन था। पैराग्राफ मतलब 2 लाइन का गिवन था कि रेपो रेट जो है, रिपो रेट अगर डिक्रीज करता है तो जो लोकल बैंक्स होते हैं उन पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है ना, वो मतलब कि जो वो मनी जो यहाँ पर मार्केट में इन्वेस्ट मनी जो करते हैं या फिर RBI को जो मनी रिटर्न करते हैं, उन दोनों के लिए एक स्टेटमेंट पूछा गया था, है ना। ओनली रिपो रेट इंक्रीज करने के लिए हमें वो क्वेश्चन पूछा गया था, रिवर्स रिपो रेट के बारे में नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया था लेकिन लास्ट में कि रिपो रेट इंक्रीज करने पे क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो गाइस इस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना चाहिए, बिकॉज इसमें आपको ऑप्शंस गिवन थे और ये टू मार्क्स का था, है ना। तो 2 मार्क्स का जब क्वेश्चन होता है तो अगर आप इंश्योर हो देन ओके, है ना। अगर आप इंश्योर नहीं हो करेक्ट आंसर कौन सा, देन उस कंडीशन में आपका 0.667 आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको पता है रिपो रेट एंड रिवर्स रिपो रेट क्या होता है, तभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन करने का ट्राई करना। देखिए मैं आपको बता देता हूँ रिपो रेट क्या होता है, द रेट एट विच द कॉमर्शियल बैंक बोरो मनी बाय सेलिंग देयर सिक्योरिटीज टू सेंट्रल बैंक। ओके, नाउ मतलब
ये अलग चीज है कि इसका रीजन क्या होता है, रिपो रेट इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए आरबीआई रिपो रेट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक बोरो द मनी बाय सेलिंग देयर सिक्योरिटी टू सेंट्रल बैंक। नाउ एक सेकेंड हो गया रिवर्स रिपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब हुआ इट इज द शॉर्ट टर्म ऑफ बोरोविंग, इज द शॉर्ट टर्म बोरोविंग रेट एट विच द आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम बैंक। ठीक है, नाउ इसका कंक्लूजन आप देखिए, अगर रिपो रेट इंक्रीज होती है, रिपो रेट इंक्रीज होने का मतलब हो गया कॉमर्शियल बैंक्स बोरो, मतलब जो अमाउंट है वो लेस अमाउंट लेने वाला है मार्केट आरबीआई से, बिकॉज आरबीआई अलाउ नहीं करेगा उनको, है ना। नाउ रिवर्स रिपो रेट क्या होता है, अगर रिवर्स रिपो रेट इंक्रीज होता है मतलब कि आरबीआई लोकल बैंक से मनी बोरो करता है, और अगर रिवर्स रिपो रेट ज्यादा है तो उस कंडीशन में उनको ज्यादा इंटरेस्ट उस पर मिलने वाला है, इट विल अलाउ द कॉमर्शियल बैंक्स टू ट्रांसफर मोर फंड टू आरबीआई। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन था। इसका अगर मैं आपको ऑप्शन बताऊं तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी जो था वो जस्ट सेम स्टेटमेंट था, रिवर्स दिया था, तो वो एक मतलब बोल सकते हैं कि एक करेक्ट स्टेटमेंट, एक उसका नेगेटिव स्टेटमेंट, तो उन दोनों में से इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ गाइस, है ना। तो बोल सकते हो आपकी एप्टीट्यूड के हमने कंप्लीट 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, उसमें से 7 मार्क्स था आपका यहाँ पर इंग्लिश, है ना, 7 मार्क्स इंग्लिश था एंड प्लस 8 मार्क्स एप्टीट्यूड, 8 मार्क्स यहां पर था जनरल मैथमेटिक्स जो एप्टीट्यूड होता है वो था। तो अगर ओवरऑल मैं बोलूं कि इस बार का जो एप्टीट्यूड था वो इजी था कंपेयर टू लास्ट ईयर्स, जहां पर आपको कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाते थे जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते थे या फिर डाउट आपको रहता था, लेकिन इस बार का जो एप्टीट्यूड ओवरऑल एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो वो इजी था कंपेयर टू लास्ट ईयर। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी देन प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स, और गाइस यहां पर आप मेरे अनअकैडमी पर अवेलेबल सभी कोर्सेज देख सकते हो कोर केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, टोटल 10 नंबर ऑफ जो कोर केमिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है उसके कंप्लीट कोर्सेज आपको यहां पर मिलेंगे। ओके, उसके साथ ही आप यहां पर देख सकते हो कि एक स्पेशल कोर्स मैंने अपलोड कर रखा है हाउ टू अवॉइड मिस्टेक्स इन गेट एग्जाम, एंड यहाँ पर देखिए मैंने गेट 2018 का भी पेपर सॉल्यूशन अपलोड कर रखा है, 19 का भी पेपर सॉल्यूशन अपलोड कर रखा है, नाउ यहाँ पर मैंने 2020 का भी अपलोड कर दिया है, उसको भी आप देख सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। नेक्स्ट जो लेसन रहेगा उस लेसन में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। सो अभी तक जो कोर केमिकल इंजीनियरिंग के 10 सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिए हैं, नाउ अभी हमने एप्टीट्यूड के जो गेट 2020 केमिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए, नाउ लास्ट जो लेसन रहेगा मेरा गेट 2020 के क्वेश्चन सॉल्यूशन पर वो रहेगा मैथमेटिक्स पर। ओके गाइस।